हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो दिस इज द लेक्चर फॉर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, जिसमें हम करने वाले हैं प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा तो हम डायटॉमिक मॉलिक्यूल कंसीडर करेंगे, और वो मॉलिक्यूल कैसा होगा? पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, दैट मींस उनका जो पी है वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो उसके एग्जांपल हम ले सकते हो एच सी एल, एच बी आर, सी ओ, एन ओ, ये कुछ एग्जांपल है। ये कैसे मॉलिक्यूल्स हैं? हेट्रो न्यूक्लियर। लेकिन कुछ ऐसे भी हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक सी एच फोर, सी ओ टू, CF4, SF6। ये मॉलिक्यूल्स तो हेट्रोन्यूक्लियर ही है, लेकिन इनका डाइपोल मोमेंट जीरो है। इनका डाइपोल मोमेंट जीरो है। तो अगर इन्हें तुम रोटेशनल स्पेक्ट्रा फाइंड आउट करने के लिए यूज करोगे तो दे विल नॉट शो रोटेशनल स्पेक्ट्रा। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो CO2 का स्ट्रक्चर देखो, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, जितना इधर बन रहा है उतना इधर बन रहा है। यानी कि अगर इसको मैं P1 बोलता हूँ, इसको P2 बोलता हूँ, तो दे विल कैंसिल इच अदर, नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। ऐसे ही तुम इसका CH4 का देखो स्ट्रक्चर, H H H H, ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। मैं इसको बना तो नहीं सकता, बट यहाँ अगर C है तो H और तीन नीचे इसके H लगे हुए हैं, तो ये 120 डिग्री पे नीचे वाले तीन H, ये तीन H 120 डिग्री पे, तो नीचे जो तुमका डाइपोल मोमेंट आ रहा है वही ऊपर आ रहा है। That means ये dipole moment zero कर दे रहा है। SF6 ये spherical molecules है, spherical symmetric molecules है, इनका dipole moment zero होता है। अगर इनका dipole moment zero होगा तो ये rotational spectra show नहीं करेगा। सिर्फ rotational spectra कौन show करेंगे? इनके पास dipole moment होगा, जैसे कि HCl, HBr, CO। तो ये कैसे molecule है? Linear diatomic molecule। तो आज हमें detail में study करना है इसको। कुछ किताब में microwave spectra भी लिखते हैं, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा, क्योंकि ये किस रीजन में लाई करता है? या तो माइक्रोवेव में लाई करेगा या फार इंफ्रारेड में लाई करेगा, फार इंफ्रारेड में, ठीक है। अब हमें इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है, तो हम क्या करेंगे? डायटोमिक मॉलिक्यूल लेंगे, जैसे कि ये है HCl टाइप का, और फिर देखेंगे कि कैसे हमारा रोटेशनल स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन होगा, एनर्जी लेवल्स कैसे होंगे, ट्रांजिशन कैसे होंगे, सिलेक्शन रूल कैसे होंगे, ठीक है। तो मुझे क्या करना है? प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा देखना है, पार्टिकल को कैसा निकला है, टेकिंग मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर फिजिक्स पढ़ रहे हैं, टेकिंग मॉलिक्यूल एज रिजिड रोटेटेड। रिजिड का मतलब क्या होता है? रिजिड रोटेटर, रिजिड का मतलब है जैसे कि ये रिजिड ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फिक्स है, मैं इसे चेंज नहीं कर सकता। बट नॉन रिजिड, जिसका डिस्टेंस चेंज हो सकता है, ठीक है, रिजिड रोटेटर। तो मुझे क्या करना है? मान लेते हैं मेरे पास एक पार्टिकल है m1 मास का, दूसरा पार्टिकल है m2 मास का, इनके बीच का डिस्टेंस है re, इसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। इनका कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, ये मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ मास होगा, इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये दोनों पार्टिकल घूम रहे हैं ओमेगा स्पीड से, घूम रहे हैं मींस रोटेट कर रहे हैं ओमेगा स्पीड से, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है इनका? पहले तो ये देखो, बाय सेंटर ऑफ मास कंसेप्ट, बाय सेंटर ऑफ मास कंसेप्ट क्या बोलता है कि ये जो डिस्टेंस r1 है, अगर मैं इसे r1 मानता हूं, इसे r2 मानता हूं, तो ये जो r1 प्लस r2 है ये किसके इक्वल है? r1 के, जो कि मेरा इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। तो मेरा क्या बोलता है, अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट मैं एक इक्वेशन लिखता हूं m1 r1 is equal to m2 r2, ये equation 2 रहती है मेरे center of mass concept के लिए, कि center of mass को origin माना, इस m1 r1 m2 r2 ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो मैं r2 की जगह क्या रखता हूँ? r2 की जगह क्या रखता हूँ? re minus r1, क्योंकि मुझे moment of inertia निकालना है। moment of inertia क्या होगा? इस axis के about, ये जो center of mass का axis है इस axis के about, तो moment of inertia क्या होता है? m into r square, m into r square, I is m
आश्रय। इस सेंटर ऑफ मास से M1 कितनी दूरी पे है? R1 दूरी पे। M2 कितनी दूरी पे है? R2 दूरी पे। तो मुझे R1 R2 को रखना होगा वैल्यूज में, तो मैं यहां से R1 निकाल लेता हूं। M1 R1 इज इक्वल टू M2 R1 माइनस M2 R1। तो ये भी R1, ये भी R1, इधर ले लो, जोड़ दो। M1 प्लस M2 R1 इज इक्वल टू M2 R1। मेरा R1 कितना आ गया? M2 RE डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो मेरे पास R1 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली तुम R2 की वैल्यू निकाल सकते हो। R2 की वैल्यू कहां से निकालोगे? यहां R1 की वैल्यू रख दो, R2 की वैल्यू आ जाएगी। R2 की वैल्यू कितनी आएगी? M1 RE, M1 RE डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो मेरे पास M1 का भी वैल्यू, R1 का भी आ गया, R2 का भी आ गया। यहां रख दो M1, R1 का वैल्यू कितना है? M2 RE डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। और R2 का वैल्यू कितना है? M1 RE डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। तो अब इन दोनों को देखते हैं क्या बन रहा है। M1 इसका स्क्वायर, दैट इज M2 का स्क्वायर, RE का स्क्वायर डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। इधर M2, M1 स्क्वायर, RE स्क्वायर डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से कॉमन क्या आ रहा है? रेशियो M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां बचेगा M1 M2 स्क्वायर, पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है? M1 M2 RE स्क्वायर। अंदर क्या बचेगा? M2 प्लस इधर क्या बचेगा? M1। ये एक पावर कैंसिल हो गई, सो आई एम लेफ्ट विद M1 M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इनटू में RE स्क्वायर। ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। ये जो M1 प्लस M2 है, ये जो M1 M2 M1 प्लस M2, इसको हम बोलते हैं रिड्यूस्ड मास। इसको क्या बोलते हैं? रिड्यूस्ड मास, विच इज M1 M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। और इसको कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखते हैं, इन दोनों को सेपरेट कर दो, 1 बाय M2 प्लस 1 बाय M1। ये है मेन रिड्यूस्ड मास। तो आप इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हो, I इज इक्वल टू म्यू आर, मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, म्यू आर ई स्क्वायर, वेयर आर इज द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस M1 M2 के बीच में, और म्यू है रिड्यूस्ड मास, जो निकलेगा M1 M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 से। अब मैंने ये क्यों किया? क्योंकि मुझे एनर्जी लेवल्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं? एनर्जी लेवल्स। जैसे कि हम नॉर्मल क्लासिकल मैकेनिक्स में देखते थे कि हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी? हाफ एम वी स्क्वायर। इसको एम से मल्टीप्लाई करो, एम से डिवाइड करो, क्या मिलेगा? एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाय 2m। एम स्क्वायर वी स्क्वायर क्या होता है? लीनियर मोमेंटम, वी स्क्वायर बाय 2m। ये काइनेटिक एनर्जी होगी लीनियर पार्टिकल के लिए। अगर पार्टिकल घूम रहा होगा तो, पार्टिकल अगर घूम रहा होगा तो ये हो जाएगा लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम, एम की जगह आ जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या आ जाता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मुझे एनर्जी निकालनी है, और इस रोटेटर के पास सिर्फ घूमने वाली एनर्जी है। घूमने वाली एनर्जी क्या होगी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्या होगी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड होगी उसके एंगुलर मोमेंटम से और उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मैंने निकाल लिया, तब मुझे चाहिए एंगुलर मोमेंटम। तो मुझे एंगुलर मोमेंटम लिखना है, इसका सिंबल दे देता हूं मैं उसको जे, कि मेरे पास जे सिंबल है फॉर रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम। तो मेरे पास जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बनेगी वो क्या बनेगी? जे स्क्वायर बाय 2i, जहां पे जे का वैल्यू क्या होता है? हम अभी तक एटॉमिक फिजिक्स में इतना पढ़ चुके हैं, जे का वैल्यू होता था एच कट रूट ऑफ जे जे प्लस वन, रूट ऑफ जे जे प्लस वन, जहां पे जे का वैल्यू कहां से स्टार्ट होता था? 0 1 2 3 और चलता चला जाता था। तो अगर मुझे जे स्क्वायर करना है, दैट मींस एच कट स्क्वायर अपॉन 2i, रूट हट जाएगा जे जे प्लस वन, जहां तुम्हारी जे की वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी 0 1 2 3। या भी स्पेसिफिक लिख सकते हो एक्स स्क्वायर, एच कट इज एच बाई 2π, दैट इज मीन्स 4π² 8π² आएगा जे जे प्लस वन। ये मेरे एनर्जी लेवल्स आ गए, जो किस पे डिपेंड कर रहे हैं? जे पे, जहां जे की वैल्यू स्टार्ट हो जाती है 0 से। ये मेरे एनर्जी लेवल्स होंगे। बट मुझे तो एटॉमिक फिजिक्स में हमने पढ़ा है, हमेशा हम क्या निकालते थे? वेव नंबर स्केल, टर्म शिफ्ट, यानी कि इस एनर्जी को डिवाइड करते थे एच सी से।
किससे डिवाइड करते थे? एच सी से। तो मुझे इसको एच सी से डिवाइड करना है, तो मैं लिखता हूं टर्म शिफ्ट, जिसका हम सिंबल देंगे एफ जे, जो कि होगा ई जे बाय एच सी। ई मैंने निकाल लिया, एच स्क्वायर बाय एट पाई स्क्वायर पाई डिवाइड करना है एच सी से, मल्टीप्लाई में जे जे प्लस वन, तो ये आ गया एक एच कैंसिल हो गया, दिस इज एच बाय एट पाई स्क्वायर आई सी इंटू जे जे प्लस वन। इसको हम कॉन्स्टेंट बोल देते हैं क्योंकि एच कॉन्स्टेंट है, आई कॉन्स्टेंट है, सी कॉन्स्टेंट है, इसको बोल देते हैं बी जे जे प्लस वन। तो ये मेरे टर्म शिफ्ट आ गया, यानी कि वेव नंबर स्केल पे, वेव नंबर स्केल पे जो कि सेंटीमीटर इनवर्स में होता है या फिर मीटर इनवर्स में होता है, तो बी जे जे प्लस वन। अब इसको हम स्पेक्ट्रा बना के देखते हैं, वेव नंबर स्केल आ गया, वेव नंबर स्केल पे हमें स्पेक्ट्रा कैसे दिखेगा, एनर्जी लेवल्स कैसे दिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले कहां से स्टार्ट होगा, जे इक्वल टू जीरो, जे इक्वल टू वन, जे इक्वल टू टू, जे इक्वल टू, ठीक है, इतना बनाते हैं। जब जे इक्वल टू जीरो होगा तो वेव नंबर स्केल जीरो, जे इक्वल टू वन होगा वन, वन प्लस वन टू बी, जब टू रखोगे टू, टू प्लस वन थ्री बी, थ्री टू जा सिक्स, फिर यहां रखोगे थ्री, थ्री प्लस वन फोर, 12b, ये मेरा वैल्यूज आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मुझे ट्रांजिशन देखना है, क्या देखना है, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मीन्स इनके बीच का, या तो ऊपर जा सकता है पार्टिकल या नीचे आ सकता है, तो इसके लिए सिलेक्शन रूल देखने पड़ेंगे कि जैसे कि हाइड्रोजन एटम में था, n कैसे चेंज हो सकता है, n 1 से 2 भी जा सकता है, 1 से 3 भी जा सकता है, 3 से 1 भी आ सकता है, बट यहां मुझे j का सिलेक्शन रूल देखना है, तो j का सिलेक्शन रूल क्या है, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस वन, या तो ए बढ़ सकता है यानी जीरो से वन जा सकता है, या वन से जीरो आ सकता है, जीरो से वन जाएगा एब्जॉर्प्शन, वन से जीरो आएगा तो एमिशन। ठीक है, जीरो से वन जाएगा तो कितना डिफरेंस है इनके बीच में, जीरो टू बी, तो मेरे को लाइन मिलेगी किस पे, वेव नंबर स्केल टू बी पे। अगर ये वन से टू जाएगा टू बी फोर बी, टू बी सिक्स बी, तो सिक्स बी माइनस टू बी दैट इज फोर बी, फोर बी कहीं यहां लाइन करेगा। ठीक है, एक और ट्रांजिशन टू से थ्री का चल रहा है, 12b माइनस 6b, तो कितने पे लाइन करेगा, 6b पे, तुम देख रहे हो अगला किस पे लाइन करेगा, 8b पे, उससे अगला 10b पे, मतलब इनके बीच का गैप कितना है, 2b 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 2b, ये कांस्टेंट रहता है, ये क्या रहता है, कांस्टेंट। जहां पे तुम्हारी b की वैल्यू कितनी है, b का वैल्यू तुम्हारा h बाय 8 पाई स्क्वायर पाई सी। ठीक है, अब एक और चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा सिलेक्शन रूल हो गया, ट्रांजिशन का रूल, सिलेक्शन रूल, कि ट्रांजिशन कैसे पॉसिबल होंगे, डेल्टा जे प्लस माइनस वन, अगर प्लस वन जा रहा है तो एब्जॉर्प्शन, माइनस वन आ रहा है तो एमिशन, और ये मेरे वेव नंबर स्केल पे आ गया, दैट इज टू बी कॉन्स्टेंट। तो अगर मान लो तुम्हें एक ऐसा न्यूमेरिकल आता है जिसमें तुम्हें बोल देता है कि वेव नंबर स्केल पे डिस्टेंस इतना है, इक्विडिस्टेंट है, टू बी की वैल्यू दे देता है कॉन्स्टेंट, बी का वैल्यू तुम्हें पता है, एच का पता है, सी का पता है, आई निकाल सकते हो, तो हमें इसमें मेन क्या निकालना है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और आर ई निकालना है। तो ये अभी मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा कि कैसे करते हैं, उससे पहले एक बार तुम थ्योरी देख लो अच्छे से। एक और जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, एनर्जी, एनर्जी वैसे हमारे लिए क्या होती है, हाफ एम बी स्क्वायर, यह है लीनियर के लिए, रोटेशनल में क्या हो जाती है, हाफ एम की जगह आई आ जाता है, वी की जगह ओमेगा आ जाता है, क्योंकि रोटेशनल, ये है वेलोसिटी, लीनियर मास, मास इनर्शिया से चेंज हो जाता है रोटेशनल में, और वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी से। अगर मुझे यहां से ओमेगा निकलना है तो ओमेगा इज टू ई बाय आई अंडर रूट, ई तो मुझे पता है ई कितना था, ई था एच स्क्वायर बाय एट पाई स्क्वायर आई जे जे प्लस वन, ये मेरा आई था, यहाँ आई का वैल्यू रखो एच स्क्वायर बाय एट पाई स्क्वायर आई जे जे प्लस वन, ये बनेगा टू कैंसिल फोर, बाहर आएगा एच टू पाई आई रूट ऑफ जे जे प्लस वन, ये मेरा होगा सिमिलर वेलोसिटी, ये मेरा क्या होगा,
एंगुलर वेलोसिटी, अगर मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी आएगा तो मैं फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकता हूँ, न्यू फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा को क्या लिखते हो, 2π/T, 2π f, f कितना आ जाएगा, दैट इज द फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा, ओमेगा बाय 2π, तो इसको 2π से डिवाइड करो, ओमेगा बाय 2π, दैट इज h बाय 4π² i j j प्लस 1। ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, तो अगर ये याद है तो ये अपने आप निकाल सकते हो ये इस रिलेशन से, इसमें इतना ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना। तो स्पेक्ट्रा हमें पता लग गया है, अब मैं इसका आपको न्यूमेरिकल कर बताता हूँ कैसा आता है। न्यूमेरिकल देखो इसका, तुमने ध्यान में रखते हैं कुछ और उससे तुम सारे रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ज्यादा चीजें नहीं है इसके अंदर, अगर एनर्जी का फॉर्मूला तुम्हें ध्यान में है तो तुम एफ का बना सकते हो, कैसे, ई को एच सी से डिवाइड करना है, ओमेगा का बना सकते हो 2e/i के अंडर रूट से, अगर ओमेगा आ गया तो फ्रीक्वेंसी का भी बना सकते हो, दैट इज दिस ओमेगा बाय 2π। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सो द क्वेश्चन इज, जे जीरो से वन जा रहा है, जे जीरो से वन जा रहा है मतलब जीरो लेवल से वन लेवल पे जा रहा है, मॉलिक्यूल कौन सा दिया हुआ है, सीओ पे, सीओ कार्बन मोनोक्साइड, तो हमें फ्रीक्वेंसी मिलती है 1.153 × 10⁻¹₣ मतलब जब मैं जे जीरो से वन जाऊंगा मतलब मेरा क्या हो रहा है, ये लेवल से मैं जीरो से वन जा रहा हूँ, ठीक है, मुझे एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, तो मेरी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है उस एब्जॉर्प्शन की, 1.153 × 10⁻¹₣, ठीक है। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, आई कैलकुलेट करना है, आर ई कैलकुलेट करना है, म्यू मुझे गिवन है, म्यू मतलब रिड्यूस्ड मास इस मॉलिक्यूल के लिए, सीओ के लिए रिड्यूस्ड मास, अगर मुझे निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, m1 m2 / m1 + m2, m1 मींस सी का मास, m2 मींस o का मास, और अगर गिवन हो तो बहुत बढ़िया, जैसे क्वेश्चन में गिवन है म्यू इज 1.14 × 10⁻²⁶ kg, ये गिवन है, मुझे कैलकुलेट करना है आई एम आर, तो मैं सबसे पहले एनर्जी लिखता हूं, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, J²/2i, J² है h², J J+1 बाय 2i, ठीक है। तो J जीरो से J इक्वल टू वन जा रहा है, J जीरो की एनर्जी कितनी है, जीरो, J इक्वल टू वन की एनर्जी कितनी है, h²/2i, वन वन प्लस वन दैट इज 2h²/2i, ये एनर्जी है, मैं बी में नहीं कर रहा, सिंपल सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया, डेल्टा ई, डेल्टा ई कितना आ गया, इन दोनों को माइनस, यानी कि h²/2i, अब तुम्हें पता है ई इक्वल टू एच न्यू होता है, ई इक्वल टू एच न्यू होता है, मतलब जो भी एब्जॉर्प्शन होगा, एमिशन होगा, उसका जो एनर्जी डिफरेंस होगा वही फोटोन निकलेगा रेडिएशन का, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एच न्यू। तो मेरा न्यू अगर निकालना है तो मुझे कैसे करना होगा, डेल्टा ई बाय एच, डेल्टा ई बाय एच, डेल्टा ई कितना है, h²/i डिवाइड करना है एच से, तो h² को सॉल्व कर लो, h² इज h/2π, h²/4π² i h, एक h कट गया, h/4π² न्यू, न्यू मुझे गिवन है, ये रहा h, मुझे पता है i का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, तो i का वैल्यू कितना आएगा, h/4π² न्यू, h इज 6.16 × 10⁻¹⁴ π² लगभग 10 हो जाएगा, न्यू का वैल्यू मेरा आई निकल जाएगा, जब आई निकल जाएगा तो आई इज म्यू आर ई स्क्वायर, आई निकल गया, म्यू गिवन है 1.14 × 10⁻²⁶ kg, तो आर ई निकल जाएगा, दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है। एक और तरीके से कर सकते हो, जैसे कि ये मैंने एनर्जी वाले तरीके से किया है, तुम फ्रीक्वेंसी वाले मतलब टर्म शिफ्ट वाले तरीके से भी कर सकते हो, जो कि हमारा 2b का रिलेशन था उससे भी कर सकते हो, तो कोई डिफरेंस नहीं है, तुम नॉर्मल एनर्जी का डिफरेंस निकालो फिर फ्रीक्वेंसी निकाल लो,
क्योंकि एनर्जी इज एक्चुअली प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, ये तुम्हारा रिलेशन आ गया। तो वैल्यू रखते हैं इसके अंदर, -34 और पाई स्क्वायर लगभग 10 और ड्यू हो जाएगा ये 1.153। तो मेरे पास ये आएगा एम आर स्क्वायर मींस केजी मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट क्या होगी, केजी मीटर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट केजी मीटर स्क्वायर। तो मैं सब ऐसा ही यूनिट में रहता हूं। ये कितना आएगा, ये है 10^1, ये 10^11, तो 10^12 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा -12 यानी 6.63 इनटू 1.15 इनटू 4, 4.6। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 6.63 डिवाइडेड बाय 4.6, दैट इज 1.44। 1.44 इनटू 10^-34, 3646 केजी मीटर स्क्वायर। ये मेरा आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मुझे निकालना था इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आर ई, ये कैसे करेंगे, आई आ चुका है, आई इज 1.44 इनटू 10^-46 केजी मीटर स्क्वायर। म्यू तुम्हें गिवन था, मैंने हटा दिया है, बल्कि फिर से देख लेते हैं। म्यू इज 1.14 इनटू 10^-26, मास है तो केजी में होगा, आर ई स्क्वायर। केजी केजी आंसर आर ई स्क्वायर किसमें आएगा, मीटर स्क्वायर में। 1.44 इनटू 10^-46 डिवाइडेड बाय 1.14 इनटू 10^-26 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज, इसको डिवाइड करते हैं 1.44 को 1.14 से, 1.44 डिवाइडेड बाय 1.14 दैट इज 1.26। ये ऊपर जाएगा, पावर प्लस हो जाएगी, -46 प्लस 26 दैट इज -20, -20। मुझे आर ई निकालना है तो मुझे अंडर रूट करना पड़ेगा इसका, तो 10^-20 का तो 10^-10 हो जाएगा, मीटर स्क्वायर का अंडर रूट मीटर हो जाएगा। 1.26 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 1.12 दैट इज, अगर 10^-10 एक एमस्ट्रोंग होता है तो दिस इज 1.12 एमस्ट्रोंग, मतलब जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है सीओ मॉलिक्यूल के लिए वो कितना है, 1.12 एमस्ट्रोंग। तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन रहता है, तो बिल्कुल करेक्ट आया 1.12 एमस्ट्रोंग। तो तुमने देखा, बस तुम्हें एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना है, अगर तुम्हें एनर्जी का फॉर्मूला याद रह गया तो उसके बाद तुम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो, टर्म शिफ्ट भी निकाल सकते हो एच सी से डिवाइड करके, और ओमेगा भी निकाल सकते हो। अब एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें टर्म शिफ्ट से करके देखते हैं उसे, ठीक है, टर्म शिफ्ट से करते हैं। क्वेश्चन है, ये ट्रांसएक्सियल मॉलिक्यूल गिवन है, उसमें एक ट्रांजिशन हो रहा है जे इक्वल टू 3 से जे इक्वल टू 4, ठीक है, जे लेवल 3 से जे लेवल 4 में जा रहा है मॉलिक्यूल, और उसमें तुम्हें फ्रीक्वेंसी कितनी मिल रही है, 83.03 सेंटीमीटर हो, यानी कि वेव नंबर स्केल पे जे इक्वल टू 0, जे इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 2, जे इक्वल टू 3, जे इक्वल टू 4। ये 0 था, ये 2 भी था, ये 6 भी था, ये 12 भी था, ठीक है, इसके अगला आएगा आपका, इनका डिफरेंस देखो, ये 2b, ये लाइन करेगा 4b पे, ये आएगा 6b पे, अगले वाला आएगा 8b पे, मींस 12 और 8 20b, ठीक है, 12 और 8 20b। तो ट्रांजिशन का हो रहा है 3 से 4, ये रहा 3 से 4, ठीक है, 20b -12b, 20b -12b कितना आ गया, 8b, 8b की वैल्यू हमें दे रखी है। तो ये जो 8b है वेव नंबर स्केल पे, ये कितने पे लाई कर रहा है, 83.03 सेंटीमीटर मोस। अगर मुझे ये पता लग गया तो मुझे बी का वैल्यू पता लग जाएगा, 83.03 बाय
सेंटीमीटर। बी का वैल्यू कितना था मेरा, एच बाई एट पाई स्क्वायर पाई सी। ये अगर मुझे पता है तो यहाँ मेरे से आई निकल जाएगा 83.03 सेंटीमीटर इनवर्स बाई एट। आई कैसे निकलेगा, आई को इधर ले जाओ, आई इज एट एच बाई 83.03 सेंटीमीटर इनवर्स एट पाई स्क्वायर सी। एट कैंसिल हो जाएगा, मुझे सेंटीमीटर इनवर्स को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि आई की यूनिट होती है ऐसा ही केजी मीटर स्क्वायर। तो मुझे सेंटीमीटर इनवर्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर इनवर्स ऊपर जाके सेंटीमीटर बन जाएगा, एक सेंटीमीटर में 10^-2 मीटर। ऐसे सोल्व करो यार। अब अगर आई आ गया, आई क्या होता है न्यू आर ई स्क्वायर, अगर आई आ गया न्यू गिवन है तो आर ई भी आ जाएगा। तो ये एक और तरीका है जिसमें तुम्हें टर्म शिफ्ट यूज करना है। क्या यूज करना है, टर्म शिफ्ट, क्योंकि हमें गिवन क्या था कि जो वेव नंबर स्केल पे मेरी पोजीशन है ट्रांजिशन की वो है 83.02। वो क्या है, 3 से 4 जाते हैं तो 8 बी पे लाई करता है, 8 बी का वैल्यू हमें गिवन है इनडायरेक्टली। ये तरीका है आपको सॉल्व करने।